एग्जाम्पल 14, यहाँ से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. सो क्या है, यूज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फॉरियर सीरीज टू सॉल्व कर्ल यू अपॉन कर्ल टी इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर. प्रीवियस एग्जाम्पल्स में हम क्या करते थे, या तो फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं या फॉरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हैं. इसमें हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को यूज करना है. तो हमें पहले तो पार्शियल जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो यूज कर ली, उसके बाद हमने फॉरियर ट्रांसफॉर्म यूज कर ली. यहाँ पे हमने देखना नहीं है कि कौन सी यूज करनी है, साइन यूज करनी है कि कोसाइन. जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म गिवन हो तो हमने हमेशा फॉरियर ट्रांसफॉर्म यूज करनी है. उसका हमने फॉर्मूले लगा दिए, इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन ई की पावर माइनस आयोटा एक्स एक्स डी एक्स. इसी तरह यहाँ पे अप्लाई कर दिया, जिसका ऑर्डर 1 होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, बाकी सारे टर्म को हम यू बार ले लेते हैं. इसी तरह यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारी क्रोलरी है 415 पे. ये देखो हमने की थी थ्योरम नंबर 7 जो डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रही थी, और इसका जो जर्नलाइजेशन का रिजल्ट है उसको यूज करेंगे. अगर हमारा डेरिवेटिव विद एन टाइम्स है तो हमारा फॉर्मूला होता है आयोटा एस की पावर एन एफ बार एस. एफ बार एस किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ टी के. सो यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है. तो यहाँ पे पुट कर दिया, अगर डेरिवेटिव तो कर लो तो सेम फॉर्मूला होता है हमारा. और यहाँ पे हमारा क्या बन जाए, एफ ऑफ यू बन जाएगा. यहाँ पे इन्होंने रीजन गलत दे रखा है, हमने थ्योरम नंबर 7 जो चैप्टर नंबर 4 की यूज किया है, नहीं चैप्टर नंबर हमारा फॉरियर ट्रांसफर वाला 6 था, तो 6 यूज किया है. देन उसके बाद फिर से हमने क्या किया, इसको हमने ले लिया यू बार, और इस टर्म को हमने पूरा कंसीडर कर लिया था यू बार, तो यहाँ पे पुट कर दिया. उसके बाद यू बार वाली टर्म्स एक साइड, डी टी वाली टर्म्स एक साइड. ये फिर से हमारी इक्वेशंस बन गई जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स की थी. देन उसके बाद इंटीग्रेशन कर दी, लॉग को लेफ्ट एंड राइट एंड साइड लिया तो ई की पावर में आ गई, देन सेपरेट कर दिया, ई की पावर सी को हमने कंसीडर कर लिया ए. देन अब हमारा टारगेट क्या है कि ए की वैल्यू फाइंड करना है. तो टेम्परेचर टी किसके इक्वल है, 0 के, तो e की पावर 0 इज 1, तो a इज इक्वल टू यू बार एस कोमा 0 आ गया. इस पे फरियर का फॉर्मूला यूज कर लिया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन e की पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एक्स. इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो हमारे पास ये टर्म आ गई. अंदर हमारा फंक्शन किसका आ रहा है, x का आ रहा है, इसका मतलब जो t वाली टर्म है वो हमारी कॉन्स्टेंट बन गई. उसके बाद हम क्या करेंगे, u फाइंड करने के लिए इन्वर्शन फॉर्मूला यूज करेंगे. तो हमने इन्वर्स फॉर्मूला यूज कर लिया, 1/2 pi इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू पुट कर दी e की पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो इंटीग्रेशन है उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. तो जो ए वाली टर्म है इसको बाहर निकाल दिया, और ds वाली टर्म्स को अंदर निकाल दिया, क्यों, और du वाली टर्म्स को बाहर निकाल दिया. इसका मतलब ऑर्डर को चेंज कब करने का मतलब क्या आता है, जो du वाली टर्म है उसको बाहर निकाल दिया, और जो ds वाली टर्म्स है उसको अंदर ले आए. तो इसे हम बोलते हैं चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, माइनस टी को कॉमन निकाल दिया, तो एस के माइनस आयोटा एस यहाँ पे बन गया, एक्स माइनस यू अपॉन टी बन गया. उसके बाद हमने क्या किया, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. परफेक्ट स्क्वायर मैंने पहले भी बनाना सिखाया कैसे करते हैं, एस को एज इट इज लिखेंगे, माइनस आयोटा एस एक्स माइनस यू अपॉन टी इसका होल स्क्वायर, माइनस उसके बाद जो ये पूरी टर्म बच गई उसका होल स्क्वायर. यहाँ पे हमेशा फिक्स होता है कि माइनस डालना है, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव. और इसका हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, क्योंकि हम हाफ ही लेते होते हैं ना, इस टर्म का हाफ लेते हैं और इस पूरी टर्म का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं. अगर इसको ओपन करेंगे तो यही टर्म आएगी हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो इसका हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. तो कैसे बनाएंगे, पहले तो ब्रैकेट स्टार्ट की, एक्स यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस, अगर प्लस होता तो प्लस, इसका हाफ कर दिया तो हाफ क्या बन गया, एस, उसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर. फिर यहाँ पे हमेशा फिक्स्ड है कि माइनस लगाना है, फिर एस का क्या कर देना है,
स्केयर कर देना है, फिर जो टर्म गिवन है उसको हमने ऐड कर देना है। तो ये हमारा बन गया परफेक्ट स्केयर। तो ऐसे आपने परफेक्ट स्केयर बना लेने हैं। सॉरी हमने गलत कर दिया, यहाँ पे अगर एक्स स्केयर ले रहे हैं तो एक्स लेंगे, अगर एस में ले रहे हैं तो एस लेंगे। तो हमने एक्स में इक्वेशन को कंसीडर कर लिया, पॉलिनोमियल इक्वेशन ले ली। तो एक्स एज इट इज माइनस इसका हाफ एंगल किया तो टू के साथ टू कैंसिल तो वन आ गया। तो वन का क्या कर दिया स्केयर, माइनस इसका क्या कर देना डबल, दैट मीन्स इसका भी स्केयर, फिर प्लस वन एज इट इज। देन एक्स माइनस वन का होल स्केयर माइनस वन प्लस वन, तो ये कैंसिल होके हमारा क्या बन गया एक्स माइनस वन का स्केयर। ये हमारा बन गया परफेक्ट स्केयर। वैसे ही हमने यहाँ पे रूल अप्लाई किया है। सो आयोटा का स्केयर क्या होता है माइनस वन, तो माइनस माइनस बन गया प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, टर्म्स को सेपरेट कर दिया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करने के लिए इस पूरे टर्म को वाई लेट कर लिया और यहाँ पे अंडरूट टी लिया है, क्योंकि इसका ऊपर पूरा स्केयर निकाल देंगे तो यहाँ पे अंडरूट टी एस माइनस आयोटा एक्स माइनस यू डी टी का होल स्केयर बन जाएगा। तो जो अंदर वाली टर्म है उसको हमने वाई ले लिया। देन सिंपली इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी एस के इक्वल आ गया। तो सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे तो अंदर आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई स्केयर, क्योंकि अंदर वाली टर्म को सारे को हमने वाई ले लिया था, ऊपर स्केयर आ गया। ई की पावर ये टर्म एज इट इज, डी एस चेंज हो गया डी वाई अपॉन डी टी और जो डी यू है वो एज इट इज। उसके बाद ये वाली टर्म फिर से कांस्टेंट बन गई, क्योंकि हमारा वेरिएबल किस में आ रहा है वाई में आ रहा है, तो हमारे पास ओनली ये टर्म आ गई। नाउ इसकी वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होती है अंडरूट पाई के, तो यहाँ पे पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप पे अंडरूट पाई को अगर नीचे लेकर आना है तो रैशनलाइज कर दिया, तो अंडरूट पाई 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 के साथ पाई कैंसिल तो वन अपॉन अंडरूट पाई आ गया। तो इन दोनों को कंबाइन करके पाई टी आ गया और टू एज इट इज इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ यू ये टर्म एज इट इज डी यू। ये हमारा आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 16 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो आपको 16 मार्क्स में भी आ सकता है। थैंक यू।